राधे राधे। आपके सामने लाइट चेंज हो रही है, बहुत अच्छा मंदिर, अच्छे दर्शन हो गया। और चश्मा ही छोड़ दिया, और चश्मा तो दे दे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल स्टेप ऑन अर्थ पे। और अभी हम गुड़गांव में, गुड़गांव में हम कल रात को आए थे, तो अभी हम जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए बाहर। और शायद अभी हम मथुरा निकले, देखते हैं अभी अगर हमारे को अभी टाइम लग गया तो हम मथुरा निकल जाएंगे। दोनों गाड़ियाँ होगी हमारी तैयार, चाचा और भी आए हैं, तो आगे बहन की गाड़ी है, तो देखते हैं अभी कहाँ जाना है। फिलहाल हम निकल रहे हैं और इस टाइम यहाँ पे थोड़ी ठंड कम है, चंडीगढ़ में थोड़ी ठंड ज़्यादा है। तो भाइयों अभी हम निकल चुके हैं गुड़गांव से, हम जा रहे हैं अभी सीधा वृंदावन। वृंदावन में जाके हम करेंगे एंजॉय और मथा टेकेंगे। तो ये सारे बैठे हमारे साथ, ये भी जा रहे हैं। हेलो। और वृंदावन से देखते हैं फिर हमने कहाँ जाना है। फिलहाल हम वृंदावन के निकल रहे हैं और रोड देखो बिल्कुल खाली पड़ा है, तो गड्डी भी सूखती हुई जा रही है। और ये देखो चाचा उड़ते हुए जा रहे हैं भाई, और मेरे को उड़ाने नहीं दे रहे थे, गड्डी खुद उड़ा रहे हैं। अभी हम चाचा से रेस लगी हमारी, और चाचा की टाकी खुली हुई है, हम चाचा को बता देते हैं फोन करके। बताइए फोन कर दे चाचा को, टाकी खुली हुई है चाची वाली। ये देखो कहाँ बढ़ रहा है भाई, गेट बंद पड़ा है। नहीं गेट बंद कर लो, चाची बाय कर रही है, मगर गेट बंद करो चाची करी बाय। भाई ये मथुरा में लग रहा है जाम काफी लंबा, आधे घंटे से रुके गए यहाँ पे। तो भाइयों पार्किंग लग गया हमारी यहाँ पे, और हम जा रहे हैं सीधा मंदिर में। अंदर पार्किंग लगाने नहीं दे रहे हैं, तो बाहर ही लगानी पड़ी है पार्किंग। तो फिलहाल यहाँ पे पार्किंग लगा के हम 50 रुपये की पार्किंग है, और जा रहे हैं आगे, दिखाते हैं आगे आपको। ये रहा गेट, जो इतना बड़ा गेट है, आगे भी काफ़ी रश है, तो हम आगे से काफ़ी मोड़ के लाए हैं गाड़ी, तो यहाँ से एंटर हो रहे हैं हम। तो भाइयों हम ये VIP एंट्री से अंदर एंटर हो रहे हैं, और फ़ोन वगैरह अंदर जमा हो जाते हैं, तो फ़ोन वगैरह हम गाड़ी में रख के जा रहे हैं, क्योंकि फिर अंदर भीड़ हो जाएगी। तो हम यहाँ से दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो आगे मिलते हैं, क्योंकि फ़ोन वगैरह तो जा नहीं पाएंगे, कैमरे वगैरह जा नहीं पाएंगे, तो सारे हम यहीं पर रख के जा रहे हैं बैग में, तो वो मिलते हैं आगे। तो दोस्तों अभी अभी हम जन्मभूमि से आए हैं, तो आपको पता है वहाँ पर कैमरे वगैरह अलाउड नहीं होते हैं, तो वहाँ पर इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर, तो वहाँ पर मैं आपको बांके बिहारी जी के दर्शन कराऊंगा, क्योंकि वहाँ पर वीडियो वगैरह थोड़ी बहुत बन जाती है। और अभी अभी जब मैं जन्मभूमि से आया हूँ, जन्मभूमि में काफ़ी ज़्यादा रश नहीं था आज, तो हमारे अच्छे दर्शन हो गए बिना लाइन के। तो फिलहाल हम बांके बिहारी मंदिर जा रहे हैं, और गाड़ी वगैरह हमने यहीं पे रोड के पीछे लगा दी है, कि वो पार्किंग वगैरह यहीं पे है। ये चश्मा उतार दे, मंदिर लेके चल देंगे इसको। तो भाइयों अगर कोई भी आता है बांके बिहारी मंदिर के यहाँ पे, अपना चश्मा वगैरह उतार दे, क्योंकि बंदर ले आते हैं, और जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ कैमरा वगैरह फ़ोन वगैरह हाथ से वो खोज के ले आते हैं, तो इसलिए हमने उतार दिया। और ये चप्पल भी हम गाड़ी में उतार के आए हैं, क्योंकि आगे फिर भीड़ होती है, तो इसलिए हम टाइम लग जाएगा वहाँ पे, इसलिए हम गाड़ी में चप्पल वगैरह उतार दिया। अब आगे जा रहे हैं, दिस इज फॉर यू, थैंक यू। तो देखो भाई अभी अभी आपके सामने मैंने ये लिया है श्रीमद भगवद गीता सर, पहले मेरे को लग रहा है कि फ्री में दे रहा था, बाद में कह रहा डोनेशन दे दो डोनेशन, तो मैंने उसे दे दिए थोड़े बहुत पैसे, तो ये सही है, घर में जाके पढ़ेंगे, और पहली बार लिया तो सही है, कहीं ना कहीं काम तो आएगी। इसने चश्मा ले लिया, ये फ्रूटी लेके मानेगा, ये देखो ये चश्मा दिया, ये फ्रूटी दी इसको, अब ये चश्मा वापिस देगा, और चश्मा ही छोड़ दिया, और चश्मा तो दे दे। बस यही है, हाथ बढ़ा लो, ये रहा, ये रहा, ये देख लो भाई यहाँ का सिस्टम, थैंक यू भाई, राधे राधे।
अभी अभी बंदर घुस के चश्मा ले गया था, घुस कैसा लगा? मैं पीछे आया और मैं चश्मा लेके भाग गया, और फिर जब उसने रोटी दी ना, फिर वो लेके रोटी लेके मेरे चश्मा वापस दे तेरे को बोल रहा था ना तार दे मेरे की पहना तुमने जब उसको फ्रूटी वापस दी जब उसने चश्मा वापस दिया तो ऐसा है यहाँ पे बंदर ऐसे ही करते हैं चश्मा उतार लेते हैं जब उसको फ्रूटी वगैरह देते हैं उसके बाद वो हमारे चश्मा वापस देते हैं चश्मा ही नहीं फोन भी रहता है जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कैमरा वगैरह फोन वगैरह कुछ भी लेके जा सकते हो ऐसे तो फिलहाल अभी हम बाहर आ गए मार्केट के बंदर देख रहा हूँ बंदर देख के वीडियो बना रहा हूँ कि बंदर तो नहीं आस पास इतनी भीड़ होने के बाद भी हमें कोई बिना धक्का मुक्की के दर्शन हो गए हैं और हम जा रहे हैं बाहर को गाड़ी की तरफ राधे राधे हरे कृष्णा हरे कृष्णा थैंक यू हरे कृष्णा राधे राधे सो गाइस अगर आपने घूमना है वृंदावन में तो आप जो भी आपका गाड़ी वगैरह है उसको पार्किंग में लगाओ और आप करो ये ई रिक्शा करके ये फायदा आपको रश नहीं मिलेगा आप अच्छे से घूम सकते हो और आप पैदल भी घूम सकते हो अगर आपने पैदल घूमना है तो हमने ई रिक्शा करके अब हम इस्कॉन टेम्पल आए हैं इस्कॉन टेम्पल में हम घूमते हैं और आगे दिखाते हैं आपको और अगर देखते हैं हम आगे प्रेम मंदिर खुला हो तो हम प्रेम मंदिर भी जरूर जाएंगे तो हम मिलते हैं इस्कॉन में आप ऊपर आते हैं इस्कॉन टेम्पल के दर्शन तो भैया अब बारी है प्रेम मंदिर की अभी हमने ई रिक्शा इसलिए नहीं किया क्योंकि रश बहुत है अगर हमने ई रिक्शा कर ली तो रश में फंस जाएगी तो हम पैदल पैदल प्रेम मंदिर जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर के पास ही है बिल्कुल प्रेम मंदिर तो अभी हम प्रेम मंदिर जा रहे हैं पैदल पैदल और प्रेम मंदिर जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि प्रेम मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है पहले भी मैं गया हूँ दूसरी बार जा रहा हूँ प्रेम मंदिर फिर रश बहुत है तो हम पैदल ही जा रहे हैं मज़ा आ रहा है और चप्पल देखो नंगे पैर ही हम
तो हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर और दिखाते हैं आपको प्रेम मंदिर कितनी भीड़ है, प्रेम मंदिर कितना सुंदर है, प्रेम मंदिर कितनी अच्छी लाइटें हैं प्रेम मंदिर में, तो सब दिखाएंगे आपको। वीडियो एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो भाइयों अब हम प्रेम मंदिर के अंदर एंटर हो चुके हैं, अब हम दिखाते हैं आपको प्रेम मंदिर, कराते हैं अंदर प्रेम मंदिर के अंदर से दर्शन, और जा रहे हैं सीधा प्रेम मंदिर के अंदर। ये देखो पीछे से कैसे दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और 10-10 सेकंड बाद इसकी लाइट चेंज हो जाती है, जिस वजह से इसकी खूबसूरती और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये देखो आपके सामने लाइट चेंज हो रही है, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है। और ये बैक साइड से कुछ ऐसा दिखता है मंदिर, जितना खूबसूरत बैक साइड से है उतना ही फ्रंट साइड से है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली बार मैं आया था तो फाउंटेन वगैरह चल रहे थे काफ़ी, इस बार नहीं चल रहे हैं, तो इस बार मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। ये कृष्ण जी का, गोपियों का, राधा माता का डांस हो रहा है, बहुत अच्छा। कृष्ण जी ने अपनी एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया था, ये वो पर्वत यहाँ पे दिखाया गया है जिसके नीचे पूरा जो गांव था उनका आ गया था। तो ये है प्रेम मंदिर की मेन एंट्रेंस, तो यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं, अंदर से आपको दर्शन कराएंगे कैसा है प्रेम मंदिर। पहले वैसे मैंने आपको एक बार कराया है, फिर से कराता हूँ दर्शन। तो अब हम एंटर हो रहे हैं प्रेम मंदिर के अंदर, राधे राधे। ये ऊपर की साइड से प्रेम मंदिर कुछ ऐसा है, तो दिख रहा है आपको। सो गाइस पूरे दिन हम घूमने के बाद पूरी अच्छे से दर्शन करने के बाद हम होटल में वापस आ चुके हैं, तो अगर आप भी एक दिन के लिए वृंदावन आते हो और अच्छे से घूमना चाहते हो तो आप आ सकते हो। और एक दिन में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो, गया बांके बिहारी मंदिर हो गया, श्री राधे रानी मंदिर हो गया बरसाने में, और प्रेम मंदिर हो गया, इस्कॉन टेम्पल हो गया, और भी हो गया काफ़ी सारे मंदिर, वैष्णो माता मंदिर भी यहाँ पे, वहाँ पर भी आप घूम सकते हो। तो फिलहाल अभी हम होटल में आ गए हैं। एक चीज़ बतानी भूल गया था मैं आपको कि वीडियो देख के देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये देखो साथ में सो गया मेरे, और हम भी जाने अब सोने के लिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जय बांके बिहारी लाल की।